Assalamu Alaikum welcome dear students to our talk about common challenges in student's evaluation when we talk about common challenges then we think about subjectivity standardization overemphasis on testing pressure and stress inequality and bias limited feedback time constraints technology challenges resistance to change lack of alignment with learning objectives first of all is subjectivity evaluation methods that rely heavily on subjective judgment, such as essay based exams or open ended questions, can introduce bias. Different evaluators may interpret student responses differently, leading to inconsistency in grading. सो so, जितने भी ऐसे टाइप टेस्ट हैं या ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं इनमें बाइस का मसला दरपेश है अब बाइस के जो सोर्सेज हैं एक तो किसी स्टैंडर्ड पैमाने की आबसेंस है अगर तो मार्किंग की रूब्रिक्स बनी हो और मॉडल आंसर्स डेवलप्ड हो तो फिर ये बायस कम होता है दूसरा तरीका यह होता है कि हम इसके डिफरेंट सेगमेंट्स को डिफरेंट लोगों से मार्क करवाएं या एक ही क्वेश्चन को दो तीन लोगों से मार्क करवाने के बाद उसकी एवरेज निकालें और अगर उन मार्कर्स की उन वैल्यूएटर की वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा फर्क हो तो फिर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें क्या उसकी लैंग्वेज में कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिवर्स टाइप के आंसर्स डिपेंडिंग अपॉन डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स अराइज हो रहे हैं तो हमारा जो एक चैलेंज है वो इसमें बायसनेस है जो कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस में ज्यादा होता है और जिससे एक ही तरह के रिस्पॉन्स को डिफरेंट अवैल्यूट डिफरेंट तरीके से वैल्यूएट कर सकते हैं डिफरेंट मार्क्स दे सकते हैं एक तो मैंने बात की कि ये बायस क्यों होता है और कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है इसकी एक वजह ये भी है कि डिफरेंट वैल्यूएटर्स के, के नजदीक उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट की ओवर वेटेज होती है क्योंकि जब भी एवेल्युएटर किसी सब्जेक्ट को पढ़ता है तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रोपोर्शनेटली जो इम्पॉर्टेंस देने की बजाय बाज़ात वो डिसप्रोपॉर्चुनेटली इम्पार्टेंस दे बैठते हैं कुछ के नज़दीक अपने सब्जेक्ट की चंद एक चीज़ें ही सब कुछ होती हैं और जिसने वो लिख दी उसको बहुत ज़्यादा मार्क्स और जिसने वो मिस कर दी उसको कम मार्क्स हालांकि मार्क्स तो एक बैलेंस्ड जो रूब्रिक है उसके गेस दिए जाने चाहिए तो सब्जेक्टिविटी जो है ये एग्जामिनेशन का एक बड़ा चैलेंज है टू में आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन भी एक चैलेंज है यानी स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करना मुश्किल है एक चैलेंज है सो इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस अक्रॉस डिफरेंट अवैल्यूएटर्स क्लासेस और इंस्टीट्यूशन कैन बी चैलेंजेस तो जो स्टूडेंट्स के असेसमेंट के चैलेंजेस हैं उसमें स्टैंडर्डाइजेशन का ना होना देखें जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं तो उसमें उनका एक एक सेट पैटर्न होता है कि पेपर देना कैसे है टाइम कितना देना है कंडीशंस कैसे होंगी पेपर वापस कैसे लेना है और उनकी मार्किंग किन रूब्रिक्स के अगेंस्ट रूब होनी है उनको फिर इंटरप्रिटेशन कैसे होनी है नॉर्म्स कैसे बननी है अगर ये सारी चीज़ें क्लियर ना, ना हो यानी स्टैंडर्डाइजेशन ना हो तो फिर रिजल्ट जो है वो डिफर कर सकते हैं एक एबिलिटी लेवल के अगेंस्ट यानी एक ही जो लर्निंग uh, लेवल के स्टूडेंट एक जैसे इलम का रखने वाले स्टूडेंट के मार्क्स डिफरेंट हो सकते हैं पॉइंट विदाउट क्लियर क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स फॉर वैल्यूएशन देयर मे बी डिस्क्रीपेंसीज इन ग्रेडिंग प्रैक्टिस तो ग्रेडिंग प्रैक्टिस में डिस्क्रीपेंसीज हो सकती हैं जो के एक बड़ा मसला है इसकी रिमूवल एक बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स अवेल्यूएशन में स्टूडेंट्स की असेसमेंट में थर्ड चैलेंज इज ओवर एम्फसिस ऑन टेस्टिंग है एक्सेसिव फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग और हाई स्टेक एग्जाम्स में नैरो दी करिकुलम एंड प्रमोट टीचिंग टू टेस्ट निग्लेक्टिंग अदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग सच एज क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हाई स्टेक टेस्ट जहां भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें एक तो माल प्रैक्टिस जन्म लेती हैं जो एथिक्स कंप्रोमाइज होती है और दूसरा जो सारी टीचिंग टेस्टिंग के लिए होने लग जाती है टीचर पढ़ाता इम्थान के लिए है तालब इलम पढ़ता इमथान के लिए है और जिसमें कुर्बानी होती है फिर क्रिटिकल थिंकिंग कुर्बान हो जाती है क्रिएटिविटी कुर्बान हो जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कुर्बान हो जाती है यानी वो सारी जो महारतें जिंदगी के लिए चाहिए हैं वो कुर्बान हो जाती हैं जब ओवर ऑन टेस्ट होता है जब हाई स्टेक टेस्टिंग की जाती है फोर्थ जो चैलेंज है वो प्रेशर एंड स्ट्रेस का है हाई स्टेक एग्जाम्स एंड ग्रेडिंग सिस्टम्स डेट हैवीली वे ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस कैन लीड टू स्ट्रेस एंजाइटी एंड इवन एकेडमिक डिसऑनेस्टी अब अगर टेस्ट हाई स्टेक ना हो तो स्टूडेंट नकल भी नहीं करता वो नकल तभी करता है जब वो असाइनमेंट वक्त पे कर नहीं पाता उसकी एबिलिटी लेवल से हाई होती है और वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता तब वो माल प्रैक्टिस की तरफ जाता है किससे लिखवाने की कोशिश करता है कॉपी करने की कोशिश करता है तो अगर हम उसको प्रॉपर टाइम दें प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करें हैंड्स ऑन तरीके से उसकी असाइनमेंट बनाएं तो फिर उसे माल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती फिर उस पर प्रेशर डेवलप नहीं होता फिर वो स्ट्रेस फील नहीं करता फियर ऑफ फेलवर मे हिंडर स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न इफेक्टिवली एंड डिमिनिश देयर इंटेंसिक मोटिवेशन सो so स्टूडेंट का फेल होने का खौफ जो है एक तो हमारी सोसाइटी में जो नाकामी का खौफ बैठा दिया गया है और ऐसे लगता है जैसे इसे टैबू बना दिया गया हो हालांकि नाकामी ही कामयाबी की सीढ़ी होती है नाकामी से हमें पता चलता है कि ये जो रास्ता हमने अख्तियार किया ये आगे से बंद मिला है अब हमने रास्ता चेंज करके मंजिल पर पहुंचेंगे लेकिन जब बहुत ज़्यादा नाकामी का खौफ आ जाता है इससे हमारी जो जो एक तरह से जो स्टूडेंट्स की सीखने की कैपेसिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है और उसकी जो मोटिवेशन है इंटरनल मोटिवेशन है वो कम हो जाती है कंप्रोमाइज़ हो जाती है सो so, एग्जाम की एंजाइटी प्रेशर और स्ट्रेस जो है ये हमारे लिए एक चैलेंज है इसको रिड्यूस करना फिफ्थ uh, जो हमारे लिए चैलेंज है वो है इनक्वेलिटी एंड बायस अवेल्युएशन मैथड्स में अन इंटेंशनली डिसवान ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स सच एच दो फ्रॉम मार्जिनलाइज बैकग्राउंड आर विद डिसबिलिटीज देखें टेस्टिंग में अगर आप देखें ओवरऑल एग्जाम का देखें तो कुछ इलाकों के स्टूडेंट्स ओवरऑल कम मार्क्स लेते हैं अगर आप गौर से देखें आ, मैंने एक दफा देखा सरगोदा और लाहौर बोर्ड का आपस में कंपैरिजन, तो सरगोदा बोर्ड की जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी जो परसेंटेज है वो लाहौर बोर्ड के आठ दस स्टूडेंट्स के बाद आती है लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर बोर्ड के फर्स्ट आने वाले के मार्क्स जो हैं वो सर्गोदा बोर्ड के फर्स्ट आने वाले के मार्क्स के बराबर हों लाहौर बोर्ड का जो आठ दस आठवीं दसवीं पोजीशन पर आने वाले बच्चे के मार्क्स जो हैं वो सरगोदा बोर्ड के पहली पोजीशन वाले मार्क्स के बराबर होते हैं इसका मतलब है कहीं ना कहीं टेस्टों में कोई ऐसी बाइस मौजूद है जो कंसिस्टेंटली एक इलाके को पीछे रख रहा है और दूसरे को आगे कर रहा है इसमें बहुत सारी इंक्लूडिंग मॉल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग जो अपॉर्चुनिटीज हैं इंक्लूडिंग जो उनकी उनकी ट्रेनिंग है स्टूडेंट्स की इंक्लूडिंग जो अच्छे इदारों को लाहौर में मौजूद होना है ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं फिर भी ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है ये चैलेंज है जिसको देखना जरूरी है पॉइंट टू एज कल्चरल बायसिस लैंग्वेज बैरियर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट आउटकम्स देखें इंटरव्यूज के अंदर अगर किसी का लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो दे टेंट टू बी सिलेक्टेड लेस हमने प्रैक्टिस में देखा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एबिलिटी लेवल कम भी था और वो बोलते थे ज्यादा वो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी ज्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं काबल स्टूडेंट की नस्बत तो इसका मतलब है कि वहां भी बाइसिस मौजूद हैं लैंग्वेज बाइसिस हैं जाहिर है कोई ना कोई वहाँ ऐसी चीज़ मौजूद है जो कंटेंट की बजाय ऐसी चीज़ें असेस हो रही हैं जो जो लेस रेलेवेंट हैं तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे कैसे हमारे एग्जाम जो है हमारे इंटरव्यूज हैं वो दरअसल फ्यूचर परफॉर्मेंस की प्रोडिक्शन की बना पर उन्हें सिलेक्शन करनी होती है लेकिन वो ऐसी छोटी छोटी ट्रिवियल्स की बना पर नॉट इन ऑल केसेस समटाइम्स वो सिलेक्शन हो जाती है कि जिस पर ऐसे तमाम लोग हैरान होते हैं जो उन स्टूडेंट्स के एबिलिटी लेवल को उन कैंडिडेट्स के एबिलिटी लेवल को जानते हैं तो ये एक बड़ा बड़ा एक आ, आ, एक चैलेंज है कि कैसे हम ट्रू एबिलिटी को जो है वो मेरिट बनाएं सिलेक्शन का आह uh, six is limited feedback. Inadequate feedback provided to students limits their ability to understand their strengths and areas for improvement. अगर आप देखें तो student को जब हम feedback देते हैं तो उस feedback की रोशनी में जो उसका response होता है वो feedback से align नहीं होता, वो दाएँ बाएँ होता है, कभी वो बिल्कुल entirely different understand कर लेता है. तो ये वो जो लिमिटेड फीडबैक की वजह से है जो फीडबैक देने वाला है वो समझता है कि उसने चार सेंटेंस बोले और मतलब उसको ट्रांसफर हो गया उसने समझ लिया कि फीडबैक क्या है हालांकि वो अक्सर सूरतों में समझ नहीं पाता और वो ये भी समझ नहीं पाता कि वो समझ नहीं पाया तो जिसकी वजह से जो एक लर्निंग हिंडर होती है तो ये भी एक चैलेंज है पॉइंट टू इज विद्रक्टिव फीडबैक स्टूडेंट्स में स्ट्रगल टू प्रोग्रेस एंड अचीव देर फुल पोटेंशियल तो चूंकि उन्हें फीडबैक नहीं मिलता तो उसमें अजीब तरह के तोह जन्म लेते हैं कि जो इस तरह की बात करें तो एग्जाम में नंबर आते हैं ये दो तीन चीजें सुनाएं तो सिलेक्शन हो जाती है तो इस तरह के बायसेज का पैदा होना लिमिटेड फीडबैक की वजह से है seventh challenge, time constraints. For first, the, the time-consuming nature of grading and providing feedback can be a significant challenge for educators, particularly in large classes or when the managing multiple courses. वर्कलोड ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी बढ़ा दिया गया है खासतौर पर जो जूनियर फैकल्टी पर और सीनियर पर उससे ज्यादा दबाव है क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज उनको दे दी जाती हैं जो कि यूजुअली उनके जो प्रेस्क्राइब्ड और वर्किंग है उनसे एक्सटेंड हो जाती हैं बाहर चली जाती हैं नतीजातन वो फिर टाइम ही नहीं निकाल पाते कि स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सकें उन्हें प्रॉपरली फीडबैक दे सकें अब बड़ी क्लासों के स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली डील करना मसला है उनके पेपर चेकिंग में पूरा टाइम देना मसला है और टीचर जब मल्टीपल क्लासेस को टीच कर रहा हो तो तब उसके लिए इश्यू होता है तो ये भी अवैल्युएटर पर अनड्यू प्रेशर है हैवी वर्कलोड का जिसकी वजह से उनकी वैल्यूएशन चैलेंज होती है फिर बहुत अजीब तरह की चीज़ें आती हैं मसलन जो फार्मूला मार्किंग है रेसिपी मार्किंग है कि ओवरऑल पेपर को देखकर उसके नंबर एक जहन में लगा दिए बाहर और बाद में क्वेश्चन के बराबर बराबर तकसीम कर दिया एक दो ऊपर नीचे कर दिया इस तरह की चीज़ें फिर जन्म लेती हैं जो कि माल प्रैक्टिस हैं जो एथिकली करेक्ट नहीं है जो कि टीचर्स को भी जेब नहीं देती जो कि सोसाइटी को भी जेब नहीं देती इस तरह की चीजें पॉइंट टू इज लिमिटेड टाइम मे कंप्रोमाइज द क्वालिटी एंड डेफ्थ ऑफ वैल्यूएशन जाहिर है फिर फिर स्टूडेंट्स के ग्रीवियंसिस पैदा होते हैं खासतौर पर जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके ग्रीवियंसिस होते हैं और जो बगैर सोचे समझे लिखते जाते हैं उनको मार्क्स मिल जाते हैं और जो अच्छे स्टूडेंट समझते हैं कि जिसे कुछ नहीं आता और जिसे सब कुछ आता है उनके मार्क्स में कोई फर्क ही नहीं है तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए टीचर्स के लिए एट चैलेंजेस टेक्नोलॉजी चैलेंज रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी फॉर असेसमेंट एज ऑनलाइन एग्जाम्स इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडिंग सिस्टम्स कैन इंट्रोड्यूस टेक्निकल ग्लिचेज एक्सेसिबिलिटी इशूज एंड कंसर्नज अबाउट डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी तो टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा हम डिपेंड करने लगे करना भी चाहिए अच्छी बात है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा पर्पज सर्व कर रही है जिसमें ऑनलाइन एग्जाम भी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडिंग भी है जिसमें बायस का आंसर कम होता है लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी में ग्लिचेज आ जाते हैं टेम्पोरेली मॉल फंक्शनिंग करने लग जाती है बंद हो जाती है इंटरनेट के इशूज आ जाते हैं बाज वो कंप्यूटर ही ठीक नहीं होते जो हमारा एक जो जो एक सिस्टम है पीछे से जो इंटरफेस है वही ठीक काम नहीं करता और ऐसी सूरतों में तालब की बात को ऊपर पहुंचाना भी मसला होता है क्योंकि वो जो उसको रन कर रहे होते होते हैं वो डिफेंडिंग मोड में होते हैं और आमतौर पर वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी कन्विंस कर लेते हैं कि सिस्टम तो ठीक था तालब इलम का ही फॉल्ट होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक टेक्नोलॉजी का जो ग्लिचेज आना आरजी तातुल होना और दूसरा जो अरबाब इख्तियार हैं अदारों के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये एक रियलाइजेशन ये एक अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टेंडिंग तालब इलमों को क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं ये भी एक बड़ा चैलेंज है नाइन्थ इज रेजिस्टेंस टू चेंज अब जो चेंज है उसमें रेजिस्टेंस एक नेचुरल चीज है और रेजिस्टेंस में देखें कि जो बंदा बिल्कुल नहीं जानता वो इतना रेजिस्ट नहीं करता जो ए टाइप का नॉलेज गेन कर लेता है वो बी टाइप के नॉलेज को फिर रेजिस्ट करता है मसलन एक तरह की चीज पर जिसका बिलीव बन जाता है वो दूसरी तरह की चीज को सुनने के काबिल ही नहीं होता और आपने मुशरे में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब एक चीज उनके जहन में बैठ जाती है तो दूसरी चीज को सुनने की कैपेसिटी मफकूद हो जाती है वो दूसरी बात सुन ही नहीं सकते तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है इसको अगर हम देखें लफ्जों को तो इंप्लीमेंटिंग इनोवेटिव असेसमेंट मैथड्स आर रिफॉर्मिंग ट्रेडिशनल वैल्यूएशन प्रैक्टिस मे फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम एजुकेटर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्टेक होल्डर्स अ कस्टम टू स्टेबलिश नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स यानी जब एक दफा तरीकेकार बन जाता है तो आपने आज भी देखा होगा कि लोग कहते हैं पुराने जमाने का सिस्टम बहुत अच्छा था पुराने जमाने की चीज़ें अच्छी थी तो आज की लीडरशिप पुराने जमाने की ही ट्रेंड है ना अगर वो इतनी अच्छी होती तो आज बहुत अच्छी चेंज ना आ जाती तो इसलिए नई चीजों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हमें नहीं शो करनी चाहिए नई चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए जमाने की तरक्की को जब तहजीबों ने रोकने की कोशिश की तो वो भी नहीं रोक पाए बुलडोज हो गए हमने नई चेंजेस को रोक के देख लिया 100 साल 200 साल 300 साल बाद जब हम सबसे पीछे रह गए तो फिर हमें होश आया कि नई चीजों को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए तो जो इंडिविजुअल लेवल पर कम्युनिटी के लेवल पर किसी भी लेवल पर नई चीजों की हमेशा लास्ट है। है है, है बहुत बड़ी चीज है जब हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव तय कर लिए उसका हमने क्राइटेरिया तय कर लिया फिर हमने उसकी जो उन जो लर्निंग आउटकम्स की इनकलकेशन के लिए एक्टिविटीज तय कर ली फिर हमने उसे इंप्लीमेंट कर लिया फिर हम हैंड ऑन वे से उसको चेक करते रहे वेदर वी आर दी वी आर ऑन दी राइट पाथ आर नाथ तो फिर भी कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारा पढ़ाने का मकसद क्या था जिससे अलाइनमेंट का चैलेंज दरपेश होता है लफ्जों को देखते हैं लिखा क्या है वैल्यूशन मैथड्स डेट डू नॉट अलाइन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउटकम्स मे फेल टू प्रोवाइड मीनिंगफुल इनसाइट्स इन टू स्टूडेंट्स नॉलेज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज अगर हमारी असेसमेंट जो है वो आउटकम बेस है ही नहीं उस पर बेस ही नहीं कर रही लर्निंग आउटकम पर बेस नहीं करती कंटेंट की तरफ चली जाती है वाक्यात की तरफ चली जाती है तो फिर हमें अलाइनमेंट का चैलेंज होता है हमारे मार्क्स ट्रू एबिलिटी को ट्रू रेलिवेंट एबिलिटी को रिप्रेजेंट ही नहीं करते तो ये थे दस बड़े बड़े चैलेंजेस जिन पर हमने बात की है आइए देखते हैं एक दफा फिर कि ये क्या चैलेंजेस हैं ये चैलेंजेस हैं सब्जेक्टिविटी के स्टैंडर्डाइजेशन के ओवर एम्फेज ऑन टेस्टिंग के चैलेंजेस हैं प्रेशर एंड स्ट्रेस के चैलेंजेस हैं इनक्वालिटी एंड बायस के चैलेंजेस हैं लिमिटेड फीडबैक का चैलेंज है टाइम कंस्टेंट के चैलेंज हैं टेक्नोलॉजी के अपने चैलेंजेस हैं जिसमें खास तौर पर मैंने जिक्र किया कि उन चैलेंजेस की जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सेप्टेंस के अपने चैलेंजेस हैं तो रेजिस्टेंस टू चेंज का बड़ा मसला है और अलाइनमेंट का बड़ा मसला है इस पर मैं बात भी करता रहता हूं कि बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज आइडल पर में आ जाती हैं बेसब हैं कोई मकसद नहीं है अगर हम उन्हीं को निकाल दें क्वालिटी को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं तो ये हमारी गुफ्तु थी कॉमन चैलेंजेस इन स्टूडेंट्स अवेल्युएशन पर थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी सी यू इन दी नेक्स्ट टॉक